सभी को जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें ग्राउंड के भाइयों ने बताई सारी अपडेट, क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या अंदर चल रहा है, ये सारी बातें बताई है। तो आप ध्यान से सुनिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और किसी एक भाई को भी शेयर कीजिए। जय हिंद जय भारत, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। दोस्तों तो हम लोग आ गए हैं ग्राउंड के बाहर। अभी दो भाई है जिनका फिजिकल कंप्लीट हो गया है। आज सुबह ये फर्स्ट बैच में से दोनों भाई, इनसे बात करते हैं फिजिकल में क्या क्या हुआ आज और कितनी इन्होंने रनिंग टाइम रहा, इन्होंने एक्सलेंट मारा या गुड, उन सभी बातों पर हम आज गौर करेंगे, डिटेल से जानेंगे भाई से। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, पहले तो अपना नाम बताओ। आशीष कुमावत। कहाँ से हो भाई? बदाल से। बदाल किशनगढ़ रेलवाल के पास। किशनगढ़ रेलवाल बदाज के पास से भाई, आपका फर्स्ट बैच में था? फर्स्ट बैच में था। तो फर्स्ट बैच में कितने बंदे थे जो पकड़े? फर्स्ट बैच में 37 बंदे थे। 37 बच्चों को पकड़ा? हाँ। 100 बंदों दौड़ाए, उन्हें 37 बंदे पकड़े। हाँ। उन 37 में से गुड और एक्सीलेंट का कुछ आइडिया हो तो? गुड थे 33 और एक नाम है एक्सीलेंट थे 5। एक्सीलेंट 5 और गुड 33? नहीं 32। और आप गुड में थे एक्सीलेंट में? मैं गुड में था, छठे नंबर पे था मैं। छठे नंबर पे तो गुड था, चलो अच्छी बात है। और जैसे आपने फर्स्ट बैच में ग्राउंड में एंट्री की, मतलब वो स्टेडियम में, हाँ। उस जो ट्रैक बना था, उस ट्रैक के अंदर जाने के बाद आपको कितना टाइम लग गया दौड़ाने के लिए? एक से डेढ़ घंटा लग हाँ। गया। और जैसे आप जो स्टेडियम को जो मेन गेट है जहाँ पे जो मार्कशीट वगैरह वो चेक किया, क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक किया आपका? एक तो जाति, एक मूल निवास, एक उनका नाम क्या बोलते हैं उसको, आधार कार्ड को ओटीपी लिया गया है? हाँ, ओटीपी लिया गया। और एक वो क्या बोलते हैं एडमिट कार्ड, एक एफिडेविट, एडमिट कार्ड और एडमिट कार्ड। और जैसे कोई कोई बच्चे है जैसे 10th 12th किसी ने दोबारा किया, ऐसा कोई बच्चा मिला आपको अंदर? नहीं अभी तक तो हमारे में तो नहीं था, लेकिन एक वो हमें सेकंड बैच में जरूर था। तो सेकंड बैच में जो बच्चा था उसको क्या बाहर निकाल दिया गया फिर? हाँ बाहर निकाल दिया गया। मतलब सेकंड मतलब उसे 10th 12th थी या 12th वाली, कौन सी मार्कशीट दोबारा? 10th वाली दोबारा चलो बाहर निकाल दिया उसको। अच्छा, ये अच्छी जानकारी है कि जो बहुत से लोग कमेंट्स कर रहे थे आप लोग कि हमने 10th दोबारा की है, तो उसके लिए भाई देख लेना 10th जो दोबारा किया है उसको बाहर निकाल दिया गया फिजिकल में, ठीक है ना? डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया ना उस टाइम में बाहर निकाल दिया गया उसको। तीन कंप्यूटर से निकलेंगे डॉक्यूमेंट्स? तीन कंप्यूटर से मतलब? कंप्यूटर से जो तीन कंप्यूटर से वेरीफाई होंगे अंदर, तो पकड़ा जाएगा। लगभग कितना टाइम लग जाता है इस वेरीफाई होने में, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने में? हम बैठे थे 7 बजे और हमको छोड़ा गया है 12 बजे, 1 बजे छोड़ा गया। तो 7 बजे से बैठे थे ये बच्चे, फर्स्ट बैच वाले हैं जो इनका। कितने बजे दौड़ाए आपको फर्स्ट बैच में? 4 बजे सुबह, 4 बजे। हाँ। और आपने एंट्री ले ली थी 2 बजे? 2 बजे एंट्री, 2 घंटे के बाद बैठने के बाद फिर 4 बजे आपको दौड़ाया गया। अच्छा, तो आप जो ग्राउंड ट्रैक पर बैठे थे तो आपके आसपास कितने बच्चे थे, और जो मतलब आप किस जगह पर बैठे थे, मतलब आपके आगे कितने बच्चे बैठे थे लगभग आइडिया? मैं था चौथी लाइन में था, पीछे चौथी लाइन में, आगे से चौथी लाइन में, आगे से चौथी लाइन में थे आप। अच्छा, आपने जो 4 राउंड लगाए तो आपके आगे फर्स्ट राउंड में कितने बच्चे दौड़ रहे थे, लगभग फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने वाला हो तब? मेरे से 10 से 15 बच्चे दौड़ रहे थे मेरे आगे। 10 से 15 बच्चे दौड़ रहे थे, और लगभग टाइमिंग क्या रही होगी? 5:30। 5:30 पूरा टाइम मिला? पूरा टाइम मिला सबको। चलो बहुत अच्छी बात है। आज का फर्स्ट बैच का टाइम था वो 5:30 था, और भाई दोनों भाइयों ने जो अपना फिजिकल वो कंप्लीट। अच्छा, आपको मेडिकल की डेट किसी कब दी गई? अभी कल की है। कितने बजे टाइम? 7 बजे। तो कुछ बोला आपको क्या क्या करके आना है? हाँ, सभी का नाम, कानों की साफ सफाई करके आनी, कानों की ब्रश वगैरह। तो आप अपना सामान साथ लेके आए थे या बाहर से खरीद के लाओगे अभी? नहीं, हम तो पहले से करके आए घर से, और थोड़ा कानों की सफाई करनी है आज। अच्छा, चलो देखो जब पहले आप आ रहे हो तो अपनी साफ सफाई घर से ही करके आओ, कि यहाँ के ऐसी सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना? तो धन्यवाद दोनों भाई को, कल इनका मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद इनसे फिर से मुलाकात होगी, आपको और भी डिटेल देंगे कि मेडिकल में वहाँ पे क्या क्या हुआ, ठीक है भाई? धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।